नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ गए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित 2023 क्वेश्चन पेपर तो आज का यह वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए जो की, जो कि कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी से और क्वेश्चन नंबर फिफ्टी में पूछा गया है कि स्वास्थ्य जीवन का वह लक्षण है जो मनुष्य को दीर्घ जीवन और सर्वाधिक सेवा के योग्य बनाता है यह कथन किसका है? क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इनेबल्स द इंडिविजुअल टू लीव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू जे एफ विलियम के द्वारा स्वास्थ्य को इस तरह से परिभाषित किया गया था मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ कि ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ में से कौन सा हेल्थ के एस्पेक्ट में शामिल नहीं है तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट करेक्ट हियर हियर फिटनेस जी हाँ दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का पक्ष नहीं है तो ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट हियर फिटनेस इसके अलावा देखिए स्पिरिचुअल फिजिकल एवं मेंटल जो है इन एस्पेक्ट्स को हेल्थ में शामिल किया जाता है Now the next question is asking that uh, dash is the sum of experiences which favorably influence habits, attitudes, and knowledge relating to individual, community, and social health. Means अनुभवों का योग है जो हमारी आदतों मनोवृत्तियों और ज्ञान जो व्यक्ति समुदाय और सामाजिक स्वास्थ्य के विषय में प्रभावित करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे सही है स्वास्थ्य शिक्षा को इस तरह से परिभाषित किया जाता है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू स्वास्थ्य शिक्षा नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन द द वर्ड वर्ड हाइजीन हाइजीन हैज बीन फ्रॉम ग्रीक हाइजीनियस यानी कि शब्द यूनानी शब्द यूनानी शब्द हाइजीनियस से विपन्न हुआ है जिसका अर्थ है और क्या है इसका सही अर्थ देखिए स्वास्थ्य पूर्ण इसका सही अर्थ है हाइजीनियस का सही अर्थ जो होता है वह है स्वास्थ्य पूर्ण नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव इज आस्किंग कि किस बैक्टीरिया से मनुष्य में टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट ईयर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से टीबी हो जाता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स इज आस्किंग कि द कोर प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल वेलनेस इज ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट ईयर रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड ऑल स्पीसीज लिविंग इन एट यानी कि वातावरण स्वच्छता का मूल सिद्धांत है प्रकृति और उसमें रहने वाली सभी जीव प्रजातियों का आदर करें नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57 सेवन इज आस्किंग की एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट सॉरी एच आई वी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है वो एच का फुल फॉर्म है ओके okay? आप सभी को पता है और एड्स का फुल फॉर्म क्या है तो एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनोडेफिशियंसी सिंड्रोम जो कि एच से होता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किन इंजरी एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेन यहां पे एक त्वचा तो अच्छा की चोट के रूप में स्ट्रेन को नहीं जाना जाता है इसके अलावा एब्रेज एवल्जन और इंसाइजन को त्वचा तो अच्छा की चोट के रूप में जाना जाता है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59। जब कोई हड्डी टूटकर या कुचल जाने पर कई टुकड़ों में हो जाती है तब यह कैसे चोट या फ्रैक्चर कहलाता है तो इसे ऑप्शन नंबर थ्री कम्युनिटेड फ्रैक्चर के रूप में जाना जाता है वेन अ बोन इज ब्रोकन स्प्लिंटेड और क्रस्ड इनटू नंबर्स ऑफ पीसेज दिस फ्रैक्चर इज नोन एज कम्युनिटेड फ्रैक्चर नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इज आस्किंग कि एड्स का पहला मरीज वर्ष किस वर्ष में विश्व में तथा किस विश्व किस जगह पे विश्व में पाया गया तथा किस वर्ष में भारत में सूचना में आया तो विश्व में एवं भारत में किस वर्ष में इसे पहला एड्स का मरीज खोजा गया था यानी सॉरी अस्तित्व में आया या उसके बारे में पता चला ये पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट ईयर यानी कि 1981 में विश्व में और 1986 में भारत में एड्स के पहले मरीज के बारे में पता चला था नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61 वन इज आस्किंग दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट यानी कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है ये आपको बताना है कि देखिए जा रही है और स्टेटमेंट टू में बोला जा रहा है की सीरम हेपेटाइटिस है और हेपेटाइटिस बी एपिडेमिक्वाइंस है तो क्या है सही आंसर यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पे सही है कि केवल कथन फर्स्ट सत्य है यानि कि कथन कथन फर्स्ट सत्य सत्य है है है, है। और कथन जो है वो नहीं है. ये यहाँ पे सही आंसर लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू एंड इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि निम्न में से कौन सा कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है तो ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट डायबिटीज जो है ये कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है यानी ये एक रोगी व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति को हवा हवा पानी या दूषित जल या पानी या दूषित भोजन से नहीं फैलता है तो ये जो है एक कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है इसके अलावा टीबी इन्फ्लुएंजा और कंजिटीज कंज, जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज में आते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट तो ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पे सही है कि बी एंड सी जो है वो सही स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है 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 कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन लेयर को बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट सी की कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है तो देखिए कौन सा कथन गलत है दोस्तों कि जो ओजोन लेयर है वो 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है अर्थ की सरफेस से तो ये यह यहाँ पे सही नहीं है Now the the next is is asking asking question number number which of the following are correct and option number three, a b statement means अम्ल वर्षा 1852 पहली बार खोज में आई और अम्न वर्षा के मूल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं ये दोनों ही कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर की ओर। एंड इट इज़ आस्किंग दैट ऑफ़ द फॉलोइंग आर करेक्ट अगेन आपको बताना है कि कौन से यहां पे सही है एस्पार्टिक एसिड साल्ट आर यूज टू ट्रीट फैटिग। और स्टेटमेंट टू में कहा जा रहा है कि टोबैको कंटेन निकोटिन एंड एवरेज सिगरेट कंटेन एम जी ऑफ निकोटीन ओके तो ऑप्शन नंबर पे पे सही है, यहां पे सही है ए एंड बी दोनों ही देखिए साल्ट फटीग यानी थकान दूर करने के लिए प्रयोग होते हैं ये बिल्कुल सही है और तंबाकू में निकोटीन होता है एक सामान्य सिगरेट में 1.5 मिलीग्राम निकोटीन होता है ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है तो ऑप्शन नंबर थ्री इज ईयर शनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था तो ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट इन हंड्रेड फिफ्टी थ्री में नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी सेवन इज आस्किंग दैट द नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स यानी कि ध्वनि प्रदूषण मापन की यूनिट निम्न में से क्या है ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट ये डेसिबल इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 68 इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट तो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट हियर ए एंड बी आर करेक्ट इसका मतलब यह है कि सेचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे सही है और अनसेचुरेटेड फैट्स जो होते हैं लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 नाइन इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेक्रोटिक्स ड्रग यानी कि इनमें से कौन नार्कोटिक्स ड्रग्स में शामिल नहीं किए जाते ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्टर एम्फेटेम देखिए कोकेन और मार्फिन जो है वो या नार्कोटिक्स ड्रग्स में शामिल किए जाते हैं और जो एम्फेटेमाइन ऑप्शन नंबर थ्री है ये नार्कोटिक्स ड्रग में शामिल नहीं किए जाते नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पे बिल्कुल सही है कि ए एंड बी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यानी कि किशोरावस्था से पहले लड़कियां लड़कों से तेजी से वृद्धि करती हैं ये सही है यहाँ पे और किशोरावस्था के दौरान लड़के लड़कियों से तेजी से वृद्धि प्राप्त वृद्धि प्राप्त करते हैं तो ये यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर थ्री यहां पे सही यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट हियर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट यानी कि निम्न में से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है ये आपको बताना है और देखिए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए करेक्ट आंसर क्या है यहां पे स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही हैं और सी गलत है तो देखिए क्या हो जाएगा तीन से पांच वर्ष की आयु में बच्चे शीघ्रता से निरंतर बढ़ते हैं और चालन कौशल विकसित करना आरंभ करते हैं पांच से आठ वर्ष की आयु में शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है ये भी सही है तो ए और बी दोनों यहाँ पे सही है लेकिन आपको थर्ड भी हम पढ़ के बता देते हैं कि जन्म से तीन वर्ष की आयु में बालक वजन और कद में विशेष वृद्धि करता है ये जो कथन है ये यहाँ पे गलत है Number 72 is asking that, सामान्य वयस्क को प्रतिदिन कितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए करेक्ट आंसर सेवेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स पीटी उषा वॉज फोर्थ इन समर ओलंपिक्स यानी कि ग्रीष्म ओलंपिक के किस इवेंट में पीटी उषा को चौथा स्थान प्राप्त हुआ तो ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट ईयर 400 मीटर हर्डल रेस में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74 इज आस्किंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर टेनिस एल्बो इंजरी यानी कि टेनिस कोहनी चोट लगने को किस टर्म से पुकारा जाता है किस नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट हियर लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है उसका सबसे लास्ट फेज कौन सा होता है अंतिम अवस्था कौन सी होती है ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट हियर ल्यूटियल फेज इज करेक्ट आंसर

Next question, 77 is asking that, अविनाश सांबले ने बर्मिंगहम कॉमनवेल्थ 2022 खेलों में 3000 मीटर स्टिपल चेस क्या टाइमिंग से सिल्वर मेडल जीता एंड ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट ईयर एट थर्टीन पॉइंट टू सिक्स ओके दिस इज करेक्ट आंसर

अलग करने और गद्दे का कार्य करती हैं उन्हें क्या कहते हैं तो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट हियर इन्हें बरसा के नाम से जाना जाता है देखिए फ्लूड फिल्ड सैक्स दैट आर पोजिशन एट सर्टेन पॉइंट्स अराउंड सम ज्वाइंट विच एक्ट एज क्वेश्चन सेपरेटिंग एंड पैडिंग एडजेसेंट इश्यू आर नोन एज तो इन्हें बरसा के नाम से जाना जाता है ओके okay?

82 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं होता ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट हियर रेक्टम छोटी आंत का भाग नहीं है नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग दैट साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किन दो ग्रीक शब्दों से हुई है एंड ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट हियर साइक एंड लोगोस इन दो शब्दों से मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग दैट ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट यानी कि कौन से दो यहाँ पे करेक्ट है देखिए स्टेटमेंट तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है इट मींस ए एंड सी ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है मींस मोटिवेशन इज अ फोर्स और ड्राइव विच

और देखिए जो सही नहीं है वो क्या है कि प्रभावी अधिगम के लिए अभिप्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती ये गलत है क्योंकि प्रभावी अधिगम के लिए अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 85 एंड क्वेश्चन नंबर 85 इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आंसर नंबर ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट हियर मींस ए बी एंड सी आर करेक्ट देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोला जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से लगभग 24 किलोमीटर ऊपर ओजोन परत पाई जाती है ये कथन सत्य है इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा ओजोन परत नष्ट होती है ये भी सही है और ऑप्शन नंबर सी ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है यानी कि ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट हियर और जो गलत ऑप्शन है वो भी हम आपको बता देते हैं कि सी एफ सी केवल एयर कंडीशनरों में पाई जाती है ये यह कथन यहाँ पे गलत है नाउ क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट यानी कि निम्न में से कौन सा कथन सही है तो देखिए ऑप्शन नंबर वन करेक्ट कि ए और बी जो स्टेटमेंट है वो दोनों ही सही है स्टेटमेंट ए में बोला जा रहा है कि हेपेटाइटिस सी धीमे धीमे प्राण लेता है ये सही है और ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी विषाणु एक संक्रमित माता से भ्रूण तक पहुंच सकता है ये भी यहाँ पे सही है ए और बी दोनों सही है तो जो गलत है वो भी हम आपको बता देते हैं कि हेपेटाइटिस बी विषाणु की उद्भवन अवधि 30 से 60 दिन की होती है ये कथन यहाँ पे गलत है नाउ क्वेश्चन नंबर 87 सेवन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरली इम्प्रूव थ्रू कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड सतत प्रशिक्षण विधि के माध्यम से निम्नलिखित में से मुख्यता किसमें सुधार नहीं होता ऑप्शन नंबर फोर इज सिस्टम, यानी कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के द्वारा जिसमें सुधार नहीं होता है वो है सिस्टम। और किसमें सुधार होता है देखिए तो एरोबिक कैपेसिटी में नंबर इन साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में सुधार होता है, तो, है यानी बढ़ जाते हैं नंबर और कैपिलराइजेशन इन तीनों में सुधार होता है क्वेश्चन नंबर एटी हर्डल शुड बी लेस देन टेन किलोग्रामी की टेन किलोग्राम या इससे कम ही होना चाहिए हर्डल रेस में हर्डल का वजन सही है और मैक्सिमम विथ ऑफ द हर्डल यानी कि जो मैक्सिमम विथ होती है हर्डल की चौड़ाई होती है वो वन पॉइंट वन एट से 1.20 मीटर होती है, दोनों ही कथन सही है नाउ क्वेश्चन टू क्रॉस आर 3000 मीटर ट्रिपल चेज रेस में एक एथलीट को कितनी बाधाएं और वाटर जंप पार करने होते हैं तो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट या ट्वेंटी एट हडर्स और सेवन वॉटर जम्पस पार करने होते हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ही नाउ क्वेश्चन नंबर नाइनटी इज आस्किंग दैट द टर्म ऑफ साइड फॉलोइंग गेम्स यानी कि ऑफ साइड शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है फुटबॉल से इसका संबंध है नाउ क्वेश्चन स्पोर्ट्स यानी कि में से किस खेल का संबंध इपोन या इपोन शब्द से है तो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्टर जूडो से इसका संबंध है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू इज आस्किंग द

और प्रयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर इसे रेस्पिरेटरी क्वेटेन के रूप में श्वसन जाना जाता है नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर कौन से स्टेटमेंट है जो सही मिलान नहीं है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो यहाँ पे सही है कि ए बी और सी सही है तो देखिए प्रकाश के कारण व्यवसाय एक होता है ध्वनि के कारण व्यवसाय बहरापन होता है और विद्युत के कारण जलना होता है ये तीनों सही है लेकिन भौतिकी कारणों के कारण श्वेत रक्तता यानी ल्यूकेमिया लुके, हो जाता है ये ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 96 एंड इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कौन से स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट हैं तो ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे सही है कि ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हैं कि अल्कोहल इज अ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग यानी कि अल्कोहल एक आदत पैदा करने वाला मादक द्रव्य है और नंबर तू यहाँ पे एक शक्तिशाली मूर्त वर्धा के ये दोनों ही यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर टू सही है बता देते हैं कि गलत क्या है कि अल्कोहल का सेवन करने के बाद यकृत की रक्त शर्करा स्तर को बनाए रखने की क्षमता बढ़ जाती है ये यह यहाँ पे गलत सेंटेंस है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन इज आस्किंग दैट डिसलोकेशन इंजरी कॉमनली अकवर्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट यानी कि डिसलोकेशन चोट सामान्यतः किस जोड़ या संधि में होती है तो शोल्डर ज्वाइंट में पाई जाती है क्वेश्चन

या मुटापन, या स्थूलता का एक रूप जो असामान्य रूप से अधिक संख्या में वसा कोशिका के कारण होता है उसे निम्न में से क्या कहते हैं तो इसे हाइपर सेल्युलर ओबेसिटी के रूप में जाना जाता है फॉर्म ऑफ ओबेसिटी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम हैविंग एन एबनॉर्मली हाई नंबर ऑफ फैट सेल्स सेल्स की बात की जा रही है इसीलिए इसे हाइपर सेल्युलर ओबेसिटी के रूप में जाना जाता है नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज क्वेश्चन नंबर 100 इज आस्किंग की बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर इज अ मेजर ऑफ रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर दैट इज टेकन अपॉन ऑफ यानी कि आधारभूत उपापचय दर बेसल एक सुप्त ऊर्जा व्यय का मापन है जो मापी जाती है तो खाना खाने के बाद 10 से 12 घंटे जागने पर इसका मापन किया जाता है तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित दो क्वेश्चन पेपर के पूरे हंड्रेड क्वेश्चन तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना जरूर बिल्कुल ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर गुड बाय हैव डे